बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सालन वाली मछली। इसके लिए दाना मेथी और लौंगे लिए हमने 1 टीस्पून और 8 से 10 अदद लौंगे हैं। ये मसाले हैं सारे। ये प्याज है हमारी 4 अदद मीडियम साइज़ की, और ये 2 केजी हमारी मछली है बनने के बाद। ये 1.5 केजी बची है ये, और ये खग्गा मछली है। ये बहुत मज़े की बनती है सालन वाली, और मैं इसके साथ वाइट चावल भी बनाऊँगी। और इसके लिए सारे ये मसाले निकाले हमने, अभी देखे होंगे आपने ट्रे में जो नज़र आ रहे थे सारे। और इसके लहसुन अदरक लिया है हमने 3 से 4 टेबल स्पून, इसको बारीक बारीक काट लिया। और प्याज है 1 अदद। इन दोनों चीज़ों को हम ग्लेंडर कर लेंगे। और हमें 3 सालन के चमचे तेल गरम करने के बाद हमने इसमें प्याज लाइट गोल्डन करनी है, डार्क नहीं करनी है, लाइट करनी है। और ये प्याज देखें हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें इसको हम दाना मेथी और लौंग का भगार लगाएंगे। इसी तेल में प्याज निकाल ली, और लहसुन अदरक और प्याज जो हमने पीस के रखी थी वो डाल दिया है हमने इसमें। अच्छी तरीके से चल मिक्स करने के बाद जो मसाले हमने निकाले थे पिसे हुए, पिसी मिर्चें थी उसमें, नमक था, हल्दी थी, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, और ये इमली के दाने हैं, और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और ये जो हरे रंग की जो नज़र आ रही है ये है हमारी सूखी मेथी 1 टेबल स्पून। तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको फुल आँच पे भूनेंगे। 5 कतले जो हमने अलग से निकाले, मैं इसको अलग से फ्राई करूँगी, क्योंकि हमारे 2 बच्चे सालन नहीं खाएंगे, वो फ्राई किए हुए खाएंगे। ये हमने गोल्डन प्याज करी हुई हमने इसमें पीस के इसमें इसी मसाले में ऐड कर दी 10 मिनट के बाद। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये सालन वाली मछली बहुत मज़ेदार बनती है। इस मछली का नाम खग्गा है, खग्गा मछली। और इसमें सिर्फ 1 कांटा होता है बीच में। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें मछली ऐड कर दूंगी, और ये अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। धोने के बाद इसमें सिरके के पानी से भी धोया है, ताकि जो इसमें मछली की एक अपनी हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करके बाकी जो हमारा मसाला प्याज लाल जो हमने करी थी उसी जग का पानी में ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास, 1 से 1.5 गिलास, थोड़ा और डालूंगी पानी बीच में। और इसको फिर मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने के बाद तैयार हो जाएगी मछली। ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत पहले ही मैंने पका लिए थे, इसलिए कैमरे में अब दिखाएं आखिर में। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो गया है ये, और चावल के हिसाब से हमने रखा है ग्रेवी। अगर रोटी है तो उनको थोड़ा और गाढ़ा कर लें सालन को, और चावलों के हिसाब से बिल्कुल सही है ये सालन मीडियम। और ये देखिए हमारी मछली तैयार हो गई है, सबने डिश आउट करा है। और ये खाने में बेहद मज़े की होती है मछली। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें। अल्लाह हाफिज़।